अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से। और शाम का टाइम हो चुका है, इतनी प्यारी माशाल्लाह से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही सर्दी है, सर्दी चली गई है और शाम का टाइम है। और मैं आज अपने व्लॉग इस टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रात की रूटीन और शाम की रूटीन। बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए, स्कूल आए थे, स्कूल से आए थे और ट्यूशन चले गए, तो एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह तो नहीं, खैर एक नई शाम का आगाज़ हो चुका है और एक नई व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। तो इधर तो वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज की रूटीन जो भी होगी आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह से। शाम का टाइम है, हल्के हल्के से बादल है और यहाँ पे शाम टाइम मैंने आपको बताया हमारे घर के बाहर जो है ना, इस तरह से ग्रीनरी है। और ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जो लड़के हैं वो खेल रहे हैं, यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, कह सकते हैं शाम टाइम यहाँ पे बच्चे बड़े आके पिकनिक मनाते हैं। और यहाँ पे यही पौधों परिंदों के लिए पानी रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग रोज़ रोटी डाल देते हैं चिड़ियों वगैरह के लिए। इस तरह से अल्लाह ताला जो है वो बरकत भी डालते हैं। तो देखते हैं आप फिर मेरी आज की क्या रूटीन है। एज आ हाउस वाइफ होने के नाते घर की रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। ये चलते हैं अंदर। इधर ताया जी मेरे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। और अंदर जो है वो काश इस टाइम जो है वो कर रहा है, देख रहा है, मैच देख रहा है। और ये मेरे किचन का हाल है, ये किचन जो है वो मैंने अभी बर्तन धो लिए हैं, ये कुछ पड़े हैं धोने वाले हैं। और इधर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रेसिपी मलाई बोटी। ये मैंने मरोज फातिमा को बना के दी है नूडल्स। इधर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मलाई बोटी। अगर आपने मलाई बोटी की रेसिपी देखनी हो तो मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है मदीहा अब्बास फूड डायरीज में। और यहाँ पे कुछ इस तरह से जो मेरा किचन बिखरा हुआ है, ये स्टैंड है। तो देखते हैं अब जो भी रूटीन होगी शाम की आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बना के पीऊँगी मैं जामेश्वरी, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है। ये मैंने जामेश्वरी के अंदर लेमन डाला है। और ये है मेरी फ्रिज, इसको भी मैंने भी साफ़ करना है। और ये है ठंडा पानी और ये मैं इसके अंदर डालूँगी। गर्मियों में स्कंजबीन और जामे शीरी मेरी रूटीन है, चलते फिरते जामे शीरी में ज़रूर पीती हूँ। तो चलिए मैं इसको पीती हूँ जी। तो मैंने ये बनाई है मलाई बोटी, इसको आप तिक्का मलाई बोटी भी कह सकते हैं। ये मैं अब देने जा रही हूँ अम्मी को। और अगर आपने मेरी ये रेसिपी देखनी तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसमें मैंने अपने तरीके से ये बनाना आपको सिखाई है। तो चलते हैं अभी अम्मी को देती हूँ, क्योंकि अम्मी भी जो चीज़ बना देती है मुझे लाजमी ही देती हैं। तो ये मैं आई हूँ नीचे अम्मा को देने। और अम्मा पढ़ रही है नमाज। खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा, खोलो। और अम्मी पढ़ी है नमाज। ये कौन देखो दरवाज़ा खोलता है? तो इधर ऊपर आके खाना खाओ ना, बाबा आते हैं ना, पहले खाना खा के नीचे आ जाओ ना। मैं आपको आवाज़ दे दूंगी ना, यहाँ पे रोटी नहीं खानी, यहाँ पे ऊपर आके मेरे पास खाओ। चलाओ शाबाश, बाबा के साथ बोती खा लोगी। ओके चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी से, मैं लेकर आऊँ। ठीक है मम्मा रोटी बनाती है, फिर आप आ जाओ। आवाज़ दे दूँ? ओके ठीक है। बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि मगरिब के फौरन बाद ताया जी रोटी खाते हैं। और ये मैंने रोटियाँ बना रही हैं सात देसी घी। ये देसी घी जिसको जो मैंने निकाल के रखा हुआ, ये देसी घी जो मैंने खुद घर में निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हम देते हैं ताया को रोटी। ये मैंने आज सालन में बनाई है दाल, ये वो मलाई बोटी और ये रोटी मक्खन वाली देसी घी वाली। ये ले ताया आपकी रोटी। और अब बारी है विकास को रोटी देने की। ये उसकी मलाई बोटी, सालन और रोटी। और विकास बैठा है इधर और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे हैं। पहले बाबा के साथ खाना खाओ, चुप करके। आपका नूडल्स बना देती हूँ। ये है ताया जी की चाय। ये ले ताया जी आपकी चाय, चलाओ अब्दुल मोहित। रात को बच्चों को सुनाते सुनाते मैं खुद भी सो गई थी। आज है अहमद रजा और अब्दुल मोहित की पार्टी, स्कूल में ईद मिलन पार्टी। इन दोनों को मैंने तैयार कर दिया और हाथ में इनको मैंने बोटल्स, लेस और चीज़ें दे दी हैं इस तरह से, क्योंकि आज इन्होंने बैलून्स और ये चीज़ें लेकर जानी हैं। दादा बू की ग्लासेस भी ढूंढ रहे हैं, दे दो दादा बू को। ताया जी अपनी ग्लासेस रख के भूल जाते हैं। को दादा बू को, अब्दुल मोहित को भी मैंने तैयार कर दिया। और बाहर का जो मौसम है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तूफ़ानी बारिश हुई है इतनी ज़्यादा।
हल्की हल्की सी हवा चल रही है और सर्दी लग रही है मेरे बेटे को। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम किस कदर खूबसूरत हो रहा है। आज इनकी पार्टी है, ईद मिलन पार्टी है, ईद की पार्टी है। ये चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं इसके अंदर। ये हल्की हल्की सी हवा चल रही है, आपको शायद पता चल रहा होगी। और ये है मौसम जो कि इतना खूबसूरत हो रहा है इस टाइम। सारी रात बादल, बिजली और बारिश हुई है सारी रात, और इस टाइम मौसम बहुत मज़े का हो रहा है। बस अब इनकी गाड़ी का इंतज़ार है, सुबह के 7 बज चुके हैं और गाड़ी आने वाली है। जैसे ही गाड़ी आएगी और फिर जो है बच्चे जाएंगे। और ये फ्लावर्स इतने खूबसूरत माशाल्लाह से, ग्रीनरी तो बस वहाँ आँखों को ठंडक देती है। गाड़ी आ गई, आ जाओ चीज़ें उठाओ, बैलून्स में अंकल से करें। चलो 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 चलो, शर्माता पानी क्यों है, चलो बैठो आराम से। बैलून लेने थे ना, तो चलते हैं ऊपर। रात इतना तूफान था, तोबा बहुत ज़्यादा तूफान था। हाँ मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी रात को, बहुत मुश्किल से मेरी आँख लगी। तो बच्चे चले गए हैं और टाइम हो चुका है तकरीबन 7:15, और अब मैं सोऊंगी और सो के उठूंगी तो फिर वो घर का दूसरा काम करेंगे। किचन मेरा से बिखरा पड़ा है। और इसी के साथ अब के व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।